हम यूं ही लेते हैं, तुच्छ मान के चलते हैं, घर का साफ सफाई करने वाली चीज़ नहीं, उसमें लक्ष्मी माता का वास होता है और लक्ष्मी माता का आशीर्वाद है झाड़ू को लेकर। तो झाड़ू का मान सम्मान बहुत ज़रूरी है, तो झाड़ू के साथ कैसे कैसे आपका बिहेव करना है ये आप आज सीख लीजिए। झाड़ू को हमेशा छुपा कर रखा जाता है, हमेशा छुपा कर रखें, ऐसे कहीं भी बाहर मत रख दें, है ना। झाड़ू को छुपा कर रखें, घर के पश्चिम या दक्षिण पश्चिम कोने में आप झाड़ू को छुपा कर रख सकते हैं। इज्जत से रखें, किसी अच्छी जगह पे प्रेम से जिस से रखें झाड़ू, पूरा झाड़ू का काम पूरा होने को झाड़ू को क्लीन करके, झड़ा करके, ऐसे झड़ा करके क्लीन करके वापस रखें। जिस अलमारी में कैश रखते हैं, जिस अलमारी में आप धन रखते हैं अपना, उस अलमारी के पीछे कभी भी छुपा कर मत रखना झाड़ू को, अच्छा नहीं होता है। कहीं और छुपा कर रखेंगे, तमीज से रखेंगे, बहुत इज्जत से रखेंगे। टूटी हुई झाड़ू को वापस जोड़कर इस्तेमाल नहीं करना, गलती से भी झाड़ू टूट गया है उसे विसर्जित कर दें पानी में या जंगल में जाकर के, या पेड़ पौधों के नीचे उसे विसर्जित कर दीजिए। ऐसे कचरे के डिब्बे में नहीं फेंक देना, अपमान होता है झाड़ू का, तो प्रॉपरली उसे विसर्जित करना, या अग्नि में भी विसर्जित कर सकते हैं, अग्नि जला करके आप उसमें विसर्जित कर सकते हैं। झाड़ू खरीदने का जो सबसे अच्छा दिन होता है वो होता है शनिवार, शनिवार को झाड़ू खरीदा करें, अच्छा झाड़ू खरीदा करें। बेचने वाले तो कुछ भी बना देते हैं, हल्का फुल्का वाला भी बना देते हैं, तो अच्छी क्वालिटी का लें। झाड़ू लेने के समय मोल भाव ना करें, सुनने में अजीब लग रहा है, हो सकता है वो बहुत ज़्यादा रेट लगा रहा हो, तो उनको बोलें भैया सही रेट लगा लीजिए या तो, लेकिन ज़्यादा मोल भाव करके एकदम कचकच करके नहीं खरीदना, इतने में दो इतने में दो, मतलब झाड़ू खरीदने के टाइम बेचने वाले को दुखी करके मत लेना, कुछ पैसे एक्स्ट्रा दे देंगे, कुछ नहीं जाता है, ठीक है। तो झाड़ू को हमेशा सुरक्षित तरीके से लिटा करके रखना, मतलब आराम की अवस्था में रखना। झाड़ू को ऐसे, मतलब कि जिस तरफ झाड़ू है उस तरफ रखने के लिए बोला जाता है, लेकिन क्योंकि वो उसकी टांगें होती है उससे वो चलता है, तो वो वर्किंग स्टेज में रहेगा, लेकिन जिस टाइम पे उसका वर्किंग ख़त्म हो चुका है उसे आराम की अवस्था में रखें, झाड़ू बहुत बरकत देगा। ऐसे अड़ा जिस तरफ उसका पकड़ने का स्थान है उसको ऐसे कभी मत रखना, वो तो स्टक हो जाएगा, धन आपके जीवन में स्टक ही हो जाएगा। सबसे बेस्ट होता है लिटा करके, तो कुछ ऐसी व्यवस्था करें अपने, आप ज़मीन में भी लिटा कर रख सकते हो उसको, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़मीन से थोड़ा ऊपर कोई जगह हो बना करके तो उसमें रखें तो बहुत गुड है। झाड़ू को लेकर हमेशा थैंकफुल रहें, क्योंकि वो आपके घर को साफ करता है, आपके जीवन की गंदगी को बाहर करता है, तो वो नेगेटिविटी को भी बाहर करेगा। तो झाड़ू के साथ अगर आप थैंकफुल रहें, झाड़ू को लेकर के आप हमेशा इज्जत से रहें, झाड़ू को लेकर आप ये रहें कि ये वो चीज़ है, आप वो चीज़ है, आप वो डिवाइन सोल हैं जो मेरे जीवन से नेगेटिविटी को साफ करके बाहर निकाल रहे हैं, अगर ये भाव रखेंगे झाड़ू भी आपके साथ वैसे ही दयावान रहेगा, वैसे ही आपको आपके जीवन में सुख समृद्धि शांति अच्छा स्वास्थ्य सेहत ला करके देगा। तो ये सारी बातें हैं जो झाड़ू को लेकर के हैं, जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। झाड़ू को मान दें, सम्मान दें, और एक समय में क्या होता है, झाड़ू को यूज़ करते करते झाड़ू ख़राब होने लगता है, गलने लगता है, झड़ने लगता है, तो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक उसको एकदम जान निकलते तक यूज़ नहीं करना है। एक समय आप समझ लो 70% अगर वो ख़राब होने लगा है तो आप उसको वहीं से विसर्जित कर दीजिए। जैसे अच्छे अच्छे हालत में लेकर आए थे तो बहुत ख़राब हालत तक यूज़ भी नहीं करना है, अच्छे अच्छे हालत में ही उन्हें विसर्जित कर देना है। तो इन सब, और जब नया झाड़ू जब भी उसे विसर्जित करेंगे तो उसे प्रणाम करके, थैंकफुल होकर के प्रणाम करके विसर्जित करें, और जब नया झाड़ू लें तो हाथ में लेते वक्त उनसे भी एक, जब उसे परचेस कर चुके हैं या परचेस कर रहे हैं तो उस समय भी आप एक ऐसा भाव रखें कि आप हमारे घर चल रहे हैं, थैंक यू सो मच आपने हमें चुना, क्योंकि आपको लगता है कि आपने झाड़ुओं को चुना, आपने झाड़ू के एक पीस को चुना है, लेकिन सही देखा जाए तो यूनिवर्स ने या उस झाड़ू ने आपको चुना है इस झाड़ू के लिए। तो थैंकफुल होकर के उस झाड़ू को एक्सेप्ट करें, अपने जीवन में लेकर के आए, और आप देखेंगे आप जो नहीं भी सोच रहे थे वो सारी चीज़ें आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। तो ये है झाड़ू की महिमा। जो लोग नहीं मानते, जो लोग नहीं जानते, उन लोगों को ये बहुत अजीब लगेगा, स्टूपिड लगेगा। आपके घर परिवार के लोग भी हो सकते हैं, आपके पड़ोसी भी हो सकते हैं, उनको ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं, उनको ये वीडियो शेयर करने की भी आवश्यकता नहीं है, कुछ भी चीज़ किसी को शेयर करने की आवश्यकता नहीं। ज़्यादातर जो YouTube में हम बताते हैं उसे हम कहते हैं कि लोगों के साथ शेयर करें, बट पर्सनली मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मेरे किसी भी वीडियो को किसी को शेयर मत करो, ये आपके लिए, आपके जीवन में यूनिवर्स की तरफ से आपको मिला है, तो आप इसको अपने साथ रखो। आप शेयर करके कुछ
ज़्यादा नहीं बदल रहे हो, क्योंकि जिसके जीवन में वो चीज़ नहीं आनी है, जिसको यूनिवर्स अभी की वो चीज़ नहीं देना चाहते, तो शेयर करके भी आप उनके जीवन में कुछ खास नहीं बदल रहे हो। तो हो सकता है वो आपको अंधविश्वासी समझे, सुपरस्टिशियस समझे, तो ज़्यादा अच्छा है, या आपको कोई और ज्ञान दे दे तो ज़्यादा अच्छा है। जो ज्ञान आपको यूनिवर्स के थ्रू मिला है उसे अपने जीवन में अप्लाई करें, बरकत करें, और जब आपसे कोई पूछे कि आप कैसे बरकत कर रहे हो, तब आप उन्हें ये सारे रेमेडीज़ बताएं। आशा करता हूँ ये अध्याय आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अपने जीवन में ऐसे ही बरकत करते रहें, लोगों की भी मदद करें और सीखते रहें। नमस्ते आजी।